तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे आंवला का अचार। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे आप लोग सब जानते हो, सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो हमने 1 किलो आंवला लिया हुआ है, छोटा साइज़ का, और इसको एकदम धो के गर्म पानी से क्लीन कर लिए हैं। और हमने 100 ग्राम तकरीबन मिर्ची लिया है, सूखा मिर्च साबुत, और साथ में नमक लिया फ्रेंड्स, और हमने सौंफ लिया हुआ है 50 ग्राम। तो इसको हम वॉश करके रखा है, जैसे हमने आपको पहले बताया। अभी हम एक कढ़ाई लगाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम अलग तरीके से अचार बनाएंगे इसका। कुछ लोग उबाल के बनाते हैं, हम उबालेंगे नहीं। तो कढ़ाई हमने लगा लिया फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे ऑयल सरसों का। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा है आंवला अचार के लिए। थोड़ा सा ऑयल डालिए हमने, 50 ग्राम होगा। इसको गर्म होने देंगे। थोड़ी हींग ऐड करेंगे, कैच वालों की हींग है, डालेंगे। और इसमें डालेंगे आंवले। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको स्लो गैस पे पकाने, आंवले को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये पूरी तरह गल जाएगा, इसका कोई मज़ा नहीं आएगा अचार में। थोड़ा कच्चा रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने स्लो गैस कर दिया है और इसको हिलाते रहेंगे, थोड़ा हिलाते रहेंगे बार बार। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चम्मच बड़ा नमक, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट, ज़्यादा पकाना नहीं है, पूरी तरह गल जाएगा। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं करना है, मीडियम, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा बारीक भी नहीं, इसको करेंगे ग्राइंड। और सौंफ जो हमारे पास, इसको भी करेंगे ग्राइंड। फ्रेंड्स, हमने मिर्ची को ग्राइंड कर दिया है, ये देखिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं और मोटा भी नहीं, ये देखिए, इससे अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। और हम इसमें मिर्ची पाउडर भी डालेंगे, ये देखिए। अभी हमने सौंफ को भी ग्राइंड कर दिया है, सौंफ को हमने ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है, मीडियम रखा हुआ है, देखिए। तो अभी देखते हैं हमारे आंवले कहाँ पहुँचे, ये देखिए, थोड़े से पक रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं पकाने, स्लो गैस पे पक रहा है, आराम से थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाएगा। इसका अचार बहुत ही टेस्टी होता है ऐसे पकाने से, और ख़राब भी नहीं होता है। कुछ लोग उबाल के बनाते हैं अचार, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मगर लाइव वीडियो है तो थोड़ा सा सॉरी लंबी हो जाएगी बस। फ्रेंड्स, थोड़ा इनको गर्म पानी से धोना चाहिए ज़रूर, उसके बाद इसको सुखाना चाहिए, उसके बाद इसको अचार बनाना चाहिए इसका। देख लेते हैं, थोड़ा गला के नहीं, थोड़ा सा गला के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, थोड़ा सा कड़छी मारी इसमें लग रही है, अंदर जा रही है। ओके, अब इसको गैस करेंगे फ्रेंड्स बंद, और इसमें ऐड करेंगे मरी मिर्ची की, डाल देंगे मिर्ची, और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। फ्रेंड्स, ये जो साबुत मिर्ची डालते हैं फ्रेंड्स, इसका अलग ही मज़ा होता है, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, आप लोग जानते भी होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें हल्दी ऐड नहीं करेंगे हम, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, सिंपल बनाएंगे, और खाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये आंवला, सारे लोग जानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को मुंह में पानी आ गया होगा देख के। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बड़ा भर के मिर्ची पाउडर, पीसी हुई मिर्च, देखिए इससे कलर आ जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा पका, मिक्स कर लेंगे आपस में। फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ पाउडर, जो हमें ग्राइंड करके रखा था मिक्सी में, डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 से 15 मिनट अचार को। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी कढ़ाई हिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसको हम हिला रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि ये मिर्ची और सौंफ मसाला जो भी डाला है मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर इसको हम डब्बे में भरेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें तेल कम लगे, बाद में डाल सकते हो, हम थोड़ा कम तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
इस तरह से ही अचार बहुत ही सिंपल है, आप लोग बनाते भी होंगे घर में, बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट हिला लिया, अच्छे से आपस में मिक्स हो गया मसाला। अब इसमें हम फ्रेंड्स सूखी मिर्च साबुत 3 मिर्च डालेंगे। ये इससे अचार देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, डब्बे में भर के वो देखिएगा बहुत अच्छा लगता है, और मिर्च गल जाती है एकदम अच्छी हो जाती है, खाने में भी अच्छी लगती है, इसका अचार बन जाता है। तो फ्रेंड्स अब इसको भरेंगे एक किसी बर्नी में भरेंगे, सॉरी किसी बर्तन में भरेंगे, अचार वाले बर्तन में। ये देखिए आपको दे सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है। फ्रेंड्स थोड़ी हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, चलिए सॉरी। ये देखिए तो अभी हम इसको डालेंगे डब्बे में, तो इसको हम एक प्लास्टिक के बर्तन में डाल रहे हैं, कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। और इसमें ऑयल बहुत कम है, कुछ मिला के ऑयल होगा 100 ग्राम के करीब। इसमें जो असली मज़ा आएगा फ्रेंड्स मिर्ची का, साबुत मिर्ची का, उसी से इसमें स्पाइसी आता है, स्पाइसी बहुत होता है, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड नाइट फ्रेंड्स।